हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर फोर्थ वीडियो इन कंटिन्यूएशन विद द चैप्टर फोटोसिंथेसिस। इस वीडियो में हम लोग एक्सपेरिमेंट सनलाइट इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस से शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप एक पॉटेड प्लांट लीजिए। पॉटेड प्लांट को आप 24 to 48 आवर्स उसे डिस्टार्च करिए डार्क प्लेस में रखकर। इसके बाद किसी भी एक पत्ते को ब्लैक पेपर से इस तरह से कवर्ड कर लीजिए और उस पर एक डिज़ाइन बना लीजिए और वापस फिर उस पॉटेड प्लांट को सनलाइट में लाकर रख दीजिए। कुछ घंटे के बाद जब सनलाइट वो प्लांट एब्जॉर्ब कर लेगी और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंटिन्यू हो जाएगा, तो इस पत्ते में भी फोटोसिंथेसिस हुआ होगा जिसके वजह से स्टार्च यहाँ पर जमा होगा। अब आप क्या करिए कि उस पर्टिकुलर पत्ते को प्लग करिए और उसको ब्लैक पेपर हटाकर वहाँ पर आयोडीन टेस्ट करिए। आयोडीन टेस्ट करने पर देखेंगे आप कि जिस पर्टिकुलर पार्ट में ब्लैक पेपर लगा हुआ था वो पार्ट ब्राउन शो करेगा, जबकि जो भी पार्ट सनलाइट से एक्सपोज था वो ब्लू ब्लैक कलर शो करेगा। इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव होता है कि सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट आपका है कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। इसके लिए आप ये सेटअप कर सकते हैं। इस सेटअप में आप देखिए कि दो पर्टिकुलर यहाँ पर फिगर दिया हुआ है। पहला फिगर में एक लाइव पॉटेड प्लांट के साथ एक वेसल में पोटासियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन डाला हुआ है और एक स्प्लिट कॉर्क के मदद से एक पत्ते को इस तरह से उसके अंदर डाला गया है कि कुछ पार्ट जो है वो पत्ते के अंदर हो और कुछ पार्ट बाहर। इस तरह से उसे कुछ घंटे के लिए आप छोड़ दीजिए तो आप देखेंगे कि जो पार्ट आपका फ्लास्क के अंदर है वो फ्लास्क जो है वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं पा पाएगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पोटासियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन एब्जॉर्ब कर लेगी। कुछ घंटे के बाद जब आप ये पत्ते को स्टार्च टेस्ट करेंगे तो स्टार्च टेस्ट में आप देखेंगे कि यहां पर जो आपका पत्ता है जो फनल के अंदर था वहां पर स्टार्च टेस्ट शो नहीं हो पाएगा, जबकि जो फनल के बाहर का पार्ट था जो एयर में खुला पार्ट था यहां पर जैसे है वहां पर वो ब्लू ब्लैक कलर शो करेगी। तो इससे ये प्रूव हो रहा है कि पर्टिकुलर जो पार्ट कार्बन डाइऑक्साइड पाई वहां पर फोटोसिंथेसिस हुआ और जो जिस पार्ट पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल पाया वहां फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाया। ठीक यही एक्सपेरिमेंट आप इस तरह से यहां पर एक लीफ को लाइव प्लांट से तोड़कर भी इस तरह से दिखा सकते हैं, जहां वाटर के साथ इसे आप लगाकर शो कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट वन इज मोर सुटेबल देन एक्सपेरिमेंट बी, जहां पर आप पोटासियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को एक पॉटेड प्लांट के लीफ के साथ आप उसको एडजस्ट करके रखें तो ये ज्यादा अच्छा आपको रिजल्ट दे सकता है। तो यहां तक आपके एक्सपेरिमेंट्स रहे। अब एक और एक्सपेरिमेंट आपका आ जाता है जो इस चैप्टर का लास्ट एक्सपेरिमेंट है, ये प्रूफ करने के लिए कि ऑक्सीजन जो है वो फोटोसिंथेसिस में रिलीज होता है। इसके लिए आप क्या करेंगे कि एक पॉटेड प्लांट लेंगे, सॉरी एक हाइड्रिला प्लांट लेंगे, एक ऐसा प्लांट जो कि एक्वाटिक है, आप उसे लेकर इस बीकर में डाल देंगे और बीकर में एक स्मॉल या शॉर्ट स्टेम वाले फनल को डालेंगे। देखिए इसका स्टेम जो है ये छोटा है, ऐसा एक स्टेम वाला फनल को उसमें आप इस हाइड्रिला को इसमें आप बंद कर दीजिए और एक टेस्ट ट्यूब लीजिए जिसमें वाटर भरा है और उसे इन्वर्टेड पोजीशन में इस तरह से उस स्टेम के ऊपर लगा दीजिए, क्योंकि वो वाटर से ये पूरी का पूरा जो है ये पूरा सिस्टम कवर्ड होना चाहिए, जैसे कि ये हाइड्रिला इसे हमेशा वाटर मिलता रहे। तो कुछ देर तक जब आप इसे सनलाइट में छोड़ देंगे तो क्योंकि हाइड्रिला एक ग्रीन एक्वाटिक प्लांट है तो वो फोटोसिंथेसिस शुरू कर देगी और फोटोसिंथेसिस जब होगा तो उसके वजह से यहां से कुछ बबल्स अराइज करते हुए दिखेंगे। ये बबल्स ऊपर जाकर टेस्ट ट्यूब के जार में यहां पर ऊपर कलेक्ट होने लगेगा। ये जो कलेक्ट हो रहा है गैस, ये गैस एक्चुअली ऑक्सीजन गैस है। इसको आप कैसे प्रूव करेंगे कि ये ऑक्सीजन गैस है? तो आप इस टेस्ट ट्यूब को इसमें से इन्वर्टेड पोजिशन से उसे निकालकर उसे आप टेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज ऑक्सीजन जो है वो कुछ हद तक पानी में डिजोल्व हो जाएगा और बाकी का ऑक्सीजन जो है उसे आप बर्निंग स्प्लिंटर अगर आप लेकर आते हैं, कोई एक स्प्लिंटर जो कि पूरा लाल हो रखा है, गर्म है, ग्लो कर रहा है, हॉट है, उसको आप अगर इस गैस के पास अगर लेकर आते हैं तो इस गैस के पास आते ही वो क्या करेगा, वो फ्लेम में
तब्दील हो जाएगा। यानी आपका ये स्प्लिंटर, सपोज ये स्प्लिंटर है और ये आपका फनल में आपका ये इन्वर्टेड जार जो है उसको आप फिर से उसको सीधा कर लिए तो गैस जो है ऊपर की तरफ आ जाएगा, लेकिन उसके पहले आपका ग्लोइंग स्प्लिंटर रेडी होना चाहिए। ग्लोइंग स्प्लिंटर को जैसे ही आप इसके मुंह पर लेके आएंगे तो ये गैस ऊपर में रहने की वजह से इसके साथ ये कॉन्टैक्ट में आ जाएगा। जैसे ही कांटेक्ट में आएगा तो ये जो आपका स्प्लिंटर, जो रेड स्प्लिंटर ग्लो कर रहा था आग में, ये अचानक इसमें फ्लेम्स आ जाएंगे, इसमें ये आग पकड़ लेगा। तो ये प्रूफ करता है कि ये जो गैस था वो ऑक्सीजन है, बिकॉज ऑक्सीजन इज द सपोर्टर ऑफ कम्बशन। तो यहां से हम लोग सारे एक्सपेरिमेंट्स को कर चुके। अब हम लोग एक्सपेरिमेंट सारे पढ़ लेने के बाद फोटोसिंथेसिस का इंपॉर्टेंस क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, महत्व क्या है, ये जानेंगे। तो पूरे के पूरा वर्ल्ड जो है उसका ब्रेड बास्केट है ये ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फूड सप्लाई करती है। हर्बीवोर्स डायरेक्टली प्लांट्स को खाते हैं, वही जगह पर जो कंज्यूमर्स हैं वो कंज्यूमर्स इन्हें खाते हैं, या फिर दूसरे फ्लेश एटिंग एनिमल्स को खाते हैं जो अल्टीमेटली हर्बीवोर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। और हर्बीवोर्स जो है वो ग्रीन प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है, और ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करके अपने लिए भी फूड बनाता है और कुछ फूड को केमिकल एनर्जी के रूप में स्टोर भी करता है, जिसे लिविंग वर्ल्ड जो है एनिमल्स या अदर बर्ड्स एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स वो उसे कंज्यूम करती है और जीवित रहती है। तो इस तरह से ये पूरे वर्ल्ड को फूड प्रोवाइड करता है। दूसरा जो इंपॉर्टेंस है वो है आपका प्रोवाइड्स ऑक्सीजन। ड्यू टू फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन इज लिबरेटेड एज वेस्ट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट। दिस पर्टिकुलर बाय प्रोडक्ट इज वेरी एसेंशियल एंड नेसेसरी फॉर अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू सर्वाइव, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो लाइफ सपोर्टिंग गैस है जिसके वजह से सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस पूरे अर्थ में डिपेंड रहते हैं, जिससे ऑक्सीजन के बिना वो नहीं जी पाते। जितने भी तरह के ऑर्गेनिजम्स हों सभी को ऑक्सीजन चाहिए। कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जो विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव करते हैं, कुछ फंगस और बैक्टीरियाज हैं जो एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, लेकिन उनके रेस्पिरेशन के वजह से वो जो फूड के ऊपर डिपेंडेंट हैं, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उन्हें फूड चाहिए खाने के लिए, तो दे आर नोन एज द एनिमल्स विच डिपेंड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स। तो जो सड़ जा रहे हैं, जो जानवर मर जा रहे हैं, या जो पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स डेड हो चुके हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर वो सर्वाइव करते हैं, इसीलिए उनका नाम है डिकॉम्पोजर्स। वो डिकॉम्पोज करते हैं, सड़ाने में, डिके करने में हेल्प करते हैं। तो ऐसे पर्टिकुलर कंडीशन में वो फंगी, बैक्टीरिया या जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो इस तरह के डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करते हैं, वो उन्हें खाते हैं, तो अल्टीमेटली वो जो ऑर्गेनिज्म है वो भी कभी ना कभी लिविंग रहा होगा और उसने फोटोसिंथेसिस के मदद से खाना बनाया होगा, या फिर ऐसे पर्टिकुलर फूड को खाया होगा जो जिसमें फोटोसिंथेसिस हुआ होगा। यानी या तो वो डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स को खाते हैं या डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स को खाते हैं। अगर प्लांट्स को खा रहे हैं तो वो प्लांट कभी ना कभी फोटोसिंथेसिस किया होगा, और अगर एनिमल्स को खा रहे हैं तो वो एनिमल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहा होगा। इस तरह से पूरे के पूरे लिविंग वर्ल्ड जो है वो प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है, और ये प्लांट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस से सारे ऑर्गेनिजम्स पूरे वर्ल्ड को वो फूड और ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है। इस चैप्टर का एक और लास्ट पार्ट बचा है, वो है आपका कार्बन साइकिल। कार्बन साइकिल जो है एक ऐसा साइकिल है जिसमें कार्बन नेचर में यानी एयर से वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के फूड चेन में आता है, और फिर वापस फूड चेन से वो फिर एटमॉस्फेयर में चला जाता है। इस पूरे साइकिल को हम लोग कार्बन साइकिल बोलते हैं। ये कैसे होता है, देखिए कि जो कार्बन डाइऑक्साइड एयर में है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर का है उसे ग्रीन प्लांट्स कंज्यूम करती है, और कंज्यूम करके वो फोटोसिंथेसिस करती है जिससे खाना बनता है, और वो मैन्युफैक्चर्ड फूड जो है वो हर्बीवोर्स यूज करते हैं खाने के लिए डायरेक्टली, या फिर दूसरे जो फ्लेश ईटिंग एनिमल्स है वो हर्बीवोर्स को खाते हैं वहां से वो एनर्जी डिराइव करने के लिए। और फिर जब ये मर जाते हैं, ये प्लांट, ये एनिमल्स सारे जब मर जाते हैं तो उनके ऊपर डिकॉम्पोजर्स या बैक्टीरिया फंगी जो है एक्ट करती है और उन्हें वो खाकर जिंदा रहती है। इस पर्टिकुलर हर एक प्रोसेस में, चाहे वो एक्वाटिक एनिमल हो, एक्वाटिक ऑटोट्रॉप्स हो या टेरेस्ट्रियल ऑटोट्रॉप्स हो, तो वो प्रोड्यूसर्स ही कहलाएंगे।
वो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, वही जगह पे एनिमल्स और ये बैक्टीरिया फंगी ये उन्हें या उन्हें उनके डेड बॉडी को खा रहे हैं। इस तरह से ये जब भी डिकम्पोज होता है या जब भी फूड जो है एक चेन से दूसरे चेन में जाता है, तो ऐसे कंडीशन में ये जब वन लेवल टू अदर लेवल ट्रांसफर हो रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड विथ हीट एनर्जी लिबरेट होता है, जो रेस्पिरेशन के मदद से वो एयर में वापस पहुंच जाता है। तो रेस्पिरेशन जो है वो ऑल ऑर्गेनिजम्स शो करते हैं। रेस्पिरेशन जैसा कि जानते हैं आप लोग एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है जिससे फूड ऑक्सीडाइज्ड होता है और शरीर में लगता है और एनर्जी बनती है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट होता है। तो चाहे वो प्रोड्यूसर हो, कंज्यूमर हो, डिकम्पोजर हो, रेस्पिरेशन अगर कर रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा। तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली वो एयर में फिर पहुंच जाता है। इसके अलावा जितने भी ये ऑर्गेनिज्म से जब ये मर जाएंगे, जब ये डेड हो जाएंगे, तो ड्यू टू फॉसिलाइजेशन ये फॉसिल स्टेट में जब जाते हैं तो ये कन्वर्शन होता है जिसके वजह से ये फॉसिल फ्यूल्स बनते हैं, जैसे कि कोल, ऑयल, नेचुरल गैस, ये सब जो बनते हैं इस पर्टिकुलर प्रोसेस में वो वापस फिर से डिकम्पोजिशन के समय कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड ड्यू टू फॉसिलाइजेशन भी एयर में पहुंच रहा है और साथ ही साथ जो लाइमस्टोन में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, जो लाइमस्टोन जो मेटामॉर्फिज्म होता है जिसमें आपका ये पर्टिकुलर जो कोल या जो पत्थर है वो लाइमस्टोन को बनते हैं, तो लाइमस्टोन से वापस जब इसे हम लोग इसे बर्न करते हैं या इसे हम लोग जब इसे जिप्सम या कुछ स्टोन बनाने की कोशिश करते हैं तब भी हम लोग हीटिंग या बर्निंग प्रोसेस जो यूज करते हैं जिससे कि वो हम लोग उसे एक पर्टिकुलर फॉर्म में उसे यूज कर सके घर के घर बनाने के लिए या फिर कुछ और स्ट्रक्चर बनाने के लिए, तब हम लोग उसे भट्टियों में जब जलाते हैं, ये जो लाइम क्लिंस लिखा हुआ है या भट्टी, तो भट्टियों में जब हम लोग जलाते हैं या उसे हीट करते हैं तो ऐसे प्रोसेस में भी कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज होता है। आप अगर बाजार से ड्राई लाइमस्टोन भी अगर खरीदें, चूना जिसको बोलते हैं, सूखा होना चाहिए, उसे भी जब आप देखिएगा पानी में डालिएगा तो देखिएगा वो बॉयल करने लगेगा, उसमें से बबल्स निकलने लगते हैं, तो ऐसे में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज होता है। और देखिएगा आपका जो वेसल, जिस वेसल में आप लाइमस्टोन को डालते हैं, चूना को डालते हैं, वो बहुत हीट हो जाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जैसे जैसे रिलीज होता है वैसे वैसे हीट एनर्जी रिलीज होती है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड इस तरह से वापस एयर में चला आता है। यही कार्बन डाइऑक्साइड फिर वापस ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के लिए लेगी और फिर ये फूड चेन में इस तरह से चलता रहेगा और ये कार्बन साइकिल जो है ये आपका निरंतर एयर में एटमॉस्फेयर में मेंटेन होता रहता है। तो इस तरह से ये आपका पूरा का पूरा चैप्टर फोटोसिंथेसिस का आज कंप्लीट हो जाता है। एक बार आप एक्सरसाइज के ऊपर भी ध्यान दीजिए। Thank you.